नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 7 नवंबर है और दिन है सोमवार। जैसा कि कल रविवार के दिन आपको जानकारी दी गई थी कि सोमवार को सरसों का बाजार तेज खुल सकता है, आज वैसा ही हुआ है। हालांकि कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है। जयपुर 50 रुपए तेज हुआ है, भरतपुर भी 50 रुपए बाजार तेज है, लेकिन जो और जो दूसरी मंडियां हैं उनमें कईयों में 200 से 300 रुपए तक का बाजार सुधरा है। तो इन स्थितियों के अंदर ऐसा लगता है कि सरसों के बाजार में अभी कुछ जो ट्रेंड है वो तेजी का बना रह सकता है, क्योंकि सरसों तेल की जो मांग है उसमें निरंतर सुधार है और सरसों तेल की मांग रहेगी जब तक, तब तक सरसों में सुधार होता रहेगा। सरसों में अब आगे कितना सुधार हो सकता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरसों में अब उपलब्धता का जो संकट है वो बढ़ता जाएगा। बिजाई का समय अभी 10 दिन और है, कितनी बिजाई होती है ये भी एक सवाल है, क्योंकि बिजाई इस बार घटने की संभावना है। इसलिए अगर ये सही आंकड़े समय पर मिल जाते हैं कि बिजाई कितनी हो रही है और कितनी कम है पिछले साल से, तो सरसों में तेजी और भी बढ़ सकती है। कॉटन बाजार के अंदर बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, बाजार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बाजार हमेशा यानी पिछले एक सप्ताह से रोजाना 100 से 200 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। आज भी राजस्थान की कई मंडियों में 9000 से ऊपर के भाव में नरमा की बिक्री हुई है। हैरानी की बात यह है कि हरियाणा की मंडियों के अंदर देसी कपास के भाव नरमे के भाव से कहीं ज्यादा अच्छे हैं, 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर है। तो नरमा कपास के अंदर अभी मंदे की कोई गुंजाइश नहीं है और ये आगे आगे और सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अराइवल का प्रेशर इस बार बना ही नहीं है और आगे बनने की संभावना कम है, कम से कम उत्तर भारत की मंडियों में। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में थोड़ा बहुत कोई प्रेशर आ सकता है, जिसकी गुंजाइश भी कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए नरमा कपास का जो बाजार है वो डाउन रहने की संभावना कम है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होते हैं, आप सब जानते हैं। और कुछ साथियों ने पूछा है कि गवार में आगे क्या रहेगा। गवार के बारे में मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूं कि गवार की जो क्रॉप है वो 80-85 लाख बोरी आती हुई दिखाई दे रही है और बाजार के अंदर अभी भी नई आवकों का प्रेशर नहीं बना है। एक महीने से ज्यादा का सीजन जा चुका है और अभी तक कोई बड़ा प्रेशर आवकों का नहीं बना है। इन दिनों में 2 से 2.5 लाख ग्वार का जो आवक होती थी, जो अभी मेरे ख्याल से 60-70 हजार बोरी के आसपास चल रहा है। इसलिए पिछले 3-4 दिन के अंदर ग्वार के अंदर थोड़ा सुधार हुआ है। 42-44 रुपए वाला भाव 47-48 रुपए बोला जाने लगा है। आने वाले दिनों के अंदर ग्वार के अंदर एक अच्छा सुधार दिखाई देगा। इसमें एक महीना और लग सकता है इस भाव को 55-56 रुपए तक पहुंचने के लिए। आइए कुछ मंडियों के सरसों के भाव देखते हैं। सरसों आज भरतपुर में खुला है 6,751 रुपए, सलोनी 7,700 पर है, दिल्ली 6,900 रुपए, जयपुर 7,150 रुपए, चरखी दादरी 6,850 रुपए, अलवर 7,000 रुपए, बारामंडी 6,650, देवबुंदी 6,900, निवई 6,700, टोंक 6,680, खैरथल 6,800, सुमेरपुर 6,700, हिंडौन 6,765, नागौर 6,200। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको सही और उचित भाव और उचित मार्गदर्शन मिलता है। वैसे हमारा जो दैनिक डेली बुलेटिन अखबार है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। हिसार में आज सरसों बिका है 6,400 रुपए, बरवाला में 6,400 रुपए, श्री विजयनगर में 6,205 रुपए, आदमपुर में 6,879 रुपए, नोहर में 6,700 रुपए, गोलूवाला में 6,430 रुपए, बीकानेर में 5,900, रावतसर में 6,580, अबोहर में 6,400, गंगानगर में 6,829, सिरसा में 6,682, मानसा गोलूवाला में आज नरमा बिका है 8,840, गंगानगर में 8,900, सिरसा में 8,631, मानसा में 8,630, पीलीभंगा में 9,096, संगरिया में 8,578 और सूरतगढ़ में नरमा की बिक्री हुई है 8,900 रुपए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।